पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले दिन क्या पढ़ रहे थे? स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, नहीं तो उसमें हम लोग मोटा मोटी ये बात कर चुके थे कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, और जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है आरएचएस में, और जो कम स्टेबल होता है उसका कंट्रीब्यूशन कम होता है। तो अगर आपको प्रॉपर आरएचएस जानना है, नहीं कि जो रियल स्ट्रक्चर है उसमें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, कहाँ पे पाई ज़्यादा होगा, अगर ये सब बात को अच्छे से समझना है तो आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को अच्छे से समझना पड़ेगा। सही है? तो पिछले दिन ऐसे ही चलते चलते हम लोगों ने एक दो मॉलिक्यूल सीखा था। अब कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के हाँ क्या नियम है, क्या टेक्निक है, उस पर चर्चा करते हैं। यूज फॉलोइंग ट्रिक। Use following trick. इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंपेयर करेंगे। Use following trick in proper sequence for comparison of for comparison of stability of canonical structures. देखिए पांच चीजों का इस्तेमाल किया जाता है canonical structure की stability अगर compare करनी हो तो पांच चीजों का इस्तेमाल करना है, और sequence fix है, आप उस sequence के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कब क्या लगाना है ये ट्रिक मैंने बना दिया। सही है? इस ट्रिक का नाम है पाउंड। ट्रिक का क्या नाम है बोलो? ट्रिक का क्या नाम है? पाउंड। पी फॉर पाई। पी फॉर सबसे पहले कंपेयर करना है क्या? पाई। दूसरा ओ फॉर ऑक्टेट। दूसरा क्या चेक करना है? तीसरा यू फॉर अनचार्ज्ड और एन फॉर है नेचर ऑफ चार्ज्ड एटम और डी फॉर डिस्टेंस। बेटा यही ट्रिक लगता है, इसमें किसी को आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। यानी अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो सबसे पहले क्या देखते हैं? पाई बॉन्ड। पाई मतलब क्या? पाई बॉन्ड। तो या तो पाई बॉन्ड का नंबर सेम होगा या पाई बॉन्ड का नंबर अलग अलग होगा। अगर दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो ये वाला काम नहीं करेगा अगला। लेकिन अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिफरेंट है, जिसमें पाई ज्यादा होगा, जो ज्यादा बॉन्ड बनाया है मतलब उसकी स्टेबिलिटी, बॉन्ड बनने से एनर्जी, बॉन्ड कब बनता है? जब दो अलग अलग एटम अट्रैक्ट होकर नजदीक आता है, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होगा मतलब उसने ज्यादा बॉन्ड बनाया है, ज्यादा अट्रैक्शन हुआ यानी ज्यादा एनर्जी रिलीज किया है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो पहला जो पाई देखते हैं, मतलब पाई मतलब क्या देखना है? किसमें पाई ज्यादा है, किसमें पाई कम है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसके पाई ज्यादा हो। लेकिन अगर पाई बराबर बराबर हो जाए तब फिर क्या देखना है? ऑक्टेट। ऐसा कहा जाता है कि ऑक्टेट ही
स्टेबिलिटी का कारण है, ऑक्टेट ही स्टेबिलिटी का कारण है। तो जिसमें सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा पूरा है वो स्टेबल होगा, और जिसमें किसी का ऑक्टेट गड़बड़ है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। सही है। तो अब किसी मॉलिक्यूल के अगर हम सारे एटम्स की चेक करने लगे ऑक्टेट तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए जो ऑक्टेट चेक किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाले एटम का चेक किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कहाँ से होता है? प्लस वाले से। कहीं माइनस है यानी उसने तो इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ है, किसी का खींच लिया है तो उसकी स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं होगा। यानी अगर ऑक्टेट आपको चेक करना है तो किसका चेक करना है? यानी बस इसी चीज़ को थोड़ा सा एडिट कर दें, ऑक्टेट फॉर, बोलो बोलो, ऑक्टेट फॉर कैट आयन। बेटा पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलते हैं? कैट आयन। क्या बोलते हैं? कैट आयन। यानी अगर ऑक्टेट चेक करना है तो सिर्फ प्लस वाले का चेक कर लो, न्यूट्रल और एनायन का चेक करने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम न्यूट्रल और एनायन का चेक कर रहे हो मतलब तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो ऑक्टेट से भी अगर काम न चले, अगर पाई से काम न चले, ऑक्टेट से काम न चले, तब क्या देखना है? अनचार्ज। तुमको पता है बच्चों कि बेटा चार्ज आने से स्टेबिलिटी क्या होती है? चार्ज आने से स्टेबिलिटी घटती है। तो जो अनचार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी, अनचार्ज मतलब बिना चार्ज वाला, तो स्टेबल कौन ज़्यादा होगा? जिसमें चार्ज नहीं हो, अनचार्ज हो। लेकिन अगर दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर चार्ज हो, मतलब ये वाला ये फंडा काम ना करे, तब क्या देखना है? नेचर ऑफ चार्ज एटम। तब ये देखा जाता है कि चार्ज एटम कौन सा है। सही है। तो चार्ज एटम के दो फंडे हैं। पहला फंडा ये है, चार्ज दो तरह का, चार्ज क्या तरह का? प्लस और। तो देखा यह जाता है कि प्लस सही जगह पे है कि नहीं, माइनस सही जगह पे है कि नहीं। यानी चार्ज अगर सही जगह पे होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर गड़बड़ जगह पे चला जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सही जगह और कौन गलत जगह है? तो इसमें हमारी मदद करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या मदद करता है? यानी माइनस होना चाहिए किस पे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। माइनस किस पे होना चाहिए? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। अगर उसका नाम ही है इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी वो क्या रहना चाहता है? इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव। तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस है, तो एकदम सही है, सही जगह पे है। लेकिन अगर गलत जगह पे माइनस है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। सही है। ठीक उसी तरह अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे? तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ होना चाहिए? अगर ऐसा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और ऐसा नहीं है तो स्टेबिलिटी कम है। सिंपल। सही है बच्चा लोग। एंड द लास्ट, लास्ट क्या देखना है बच्चा? किसके बीच? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, है ना? तो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज में फिर दो कॉन्सेप्ट। अगर अपोजिट चार्ज है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कहाँ होना चाहिए? नज़दीक होना चाहिए कि दूर होना चाहिए? नज़दीक होने से अट्रैक्शन ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी। और अगर अपोजिट चार्ज दूर है तो अट्रैक्शन, तो स्टेबिलिटी। अगर सिमिलर चार्ज है, प्लस प्लस है, तो वो कहाँ रहना चाहिए? प्लस प्लस नज़दीक रहेगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी। तो इसीलिए अगर सेम चार्ज है तो कहाँ रहना चाहिए, और अगर सिमिलर चार्ज है तो कहाँ रहना चाहिए? सिमिलर चार्ज कहाँ रहना चाहिए, और अपोजिट चार्ज कहाँ रहना चाहिए? कोई दिक्कत? क्योंकि अपोजिट चार्ज नज़दीक होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और सिमिलर चार्ज अगर नज़दीक होगा तो रिपल्सन। इसलिए सिमिलर चार्ज कहाँ रहना चाहिए? दूर दूर। अपोजिट चार्ज कहाँ रहना चाहिए? तो ये पांच फंडा है, पांचों का इस्तेमाल किया जाता है, फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पता चलती है। और ये इससे सवाल फिक्स है, आएगा। अभी नीट 21 भी होने वाला है, IIT 21 भी होने वाला है, इससे सवाल आएगा। सही है, डायरेक्ट सवाल आता है। तो पहले यहां तक लिखिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या देखना है स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए, बताओ? सबसे पहले क्या देखना है? पाई। पाई मतलब, पाई क्या होना चाहिए, ज्यादा कि कम? पाई ज्यादा होना चाहिए कि कम? यानी जो ज्यादा स्टेबल होता है उसमें पाई क्या होता है? ज्यादा। दूसरा, ऑक्टेट क्या होना चाहिए,
कंप्लीट। किसका ऑक्टेट चेक करना है? कैटायन का ही क्यों चेक करना है? क्योंकि एनायन के ऑक्टेट में कोई पंगा नहीं होगा, न्यूट्रल के भी ऑक्टेट में पंगा जनरली नहीं होगा। अगर पंगा है तो कहाँ पे है? कैटायन। इसके बाद तीसरा फंडा क्या देखना है? अनचार्ज होना चाहिए, स्टेबल होने के लिए चार्ज नहीं होना चाहिए। चौथा फंडा क्या देखना है? चार्ज ऑफ, सॉरी, नेचर ऑफ चार्ज एटम। इसका फंडा क्या है? नेगेटिव कहाँ होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पॉजिटिव कहाँ होना चाहिए? और अगर इससे भी काम ना चले तो लास्ट में क्या देखना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बीच? अगर सेम चार्ज है तो कहाँ होना चाहिए? दूर दूर। अपोजिट चार्ज है तो कहाँ होना चाहिए? अगर ऐसा है तो स्टेबल है, दूसरी सारी परिस्थितियों में स्टेबिलिटी कम होगी। ट्रिक क्या है? पाउंड। ट्रिक क्या है? पाउंड। कोई कोई पी ना बोल के बी भी बोलता है, बाउंड, बी फॉर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। चलिए अब हम लोग एक एक करके पांचों पॉइंट के बारे में लिख लेंगे पहले, उसके बाद एग्जाम्पल शुरू करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या यूज करना है? बोलिए, सबसे पहले क्या लगाना है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहला, इसके पहले एक शब्द लगा दो, काउंट। क्या करो? काउंट करो, मतलब गिनो। किसको गिनो? पाई बॉन्ड को। किस में? कैनोनिकल स्ट्रक्चर में। इसके बाद कॉन्क्लूजन बताओ, कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? कैनोनिकल स्ट्रक्चर विथ, बोलो विथ मोर पाई, है ना, मोर पाई बॉन्ड्स। आर बोल दे बाबू, मोर स्टेबल देन कैनोनिकल स्ट्रक्चर विथ लेस नंबर ऑफ पाई। समझिएगा बच्चों, पहला फंडा यही है। और कई बार सवाल ऐसा पूछा जाता है जो बस इसी से बन जाता है, कई बार। एग्जाम्पल देखिएगा, ये है मॉलिक्यूल। रेजोनेंस होगा क्या? रेजोनेंस होगा। क्यों होगा? पाई अल्टरनेट है बेटा। अगर ये पाई इधर चला जाए और ये पाई इधर चला आए तो इसके वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा, हाँ, वो ऐसा बनेगा, इस पे माइनस, इस पे, और ये यहाँ जाएगा तो यहाँ कौन चार्ज? ये वाला इधर गया, यहाँ कौन चार्ज? ये वाला इधर आया, यहाँ कौन चार्ज? प्लस माइनस के बीच। बेटा जैसे ये इधर जा रहा था, इधर भी तो आ सकता है, बोलो हाँ के ना। इधर की वजह से आप ऐसा स्ट्रक्चर बना लो, अगर ये इधर आया इस पे माइनस, ये इधर आया इस पे, ये पहला कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये दूसरा, ये तीसरा। बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा? किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा? पहले का। क्यों? दो पाई है, दूसरे तीसरे में एक ही पाई है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? बोलो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा? एक की। और दो बराबर तीन होगा, हाँ के ना? दो बराबर तीन होगा, हाँ के ना? तो हम जब RHS बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम? तो RHS में किसका असर होगा? RHS में तो सबका असर होगा, पहला का भी, दूसरा का भी, और ज़्यादा किसका असर होगा? पहला के हिसाब से पाई बॉन्ड किधर होना चाहिए? बोलो किनारे किनारे के बीच में। पहले के हिसाब से किधर होना चाहिए? किनारे किनारे। और इसका असर इसमें ज़्यादा, मतलब किनारे किनारे पाई बॉन्ड का क्लाउड ज़्यादा आएगा, मतलब यहाँ पे डॉट ज़्यादा, यहाँ पे डॉट बोलना। और बीच में पाई किसकी वजह से आ रहा है? बीच में उसकी वजह से आ रहा है जिसकी स्टेबिलिटी कम है, तो बीच में पाई कम होगा, मतलब यहाँ पे तुम बोल सकते हो पाई कैसा बताओ? लेस पाई। किनारे में पाई, मोर पाई। समझे नहीं समझे? तो हमको जो मॉलिक्यूल, रियल मॉलिक्यूल है, जो 1,3-butadiene, नाम क्या इसका होगा? नाम कैसे लिखते हैं? कार्बन कैगो है?
चार के लिए ब्यूट, चार के लिए डबल बॉन्ड के लिए इन, कै गो डबल बॉन्ड, दुगो के लिए डाइन, दुगो के लिए डाइन, डाइन कहाँ कहाँ पे है, डाइन कहाँ कहाँ पे, नंबरिंग कर दो, एक दो तीन चार, डाइन कहाँ कहाँ पे, डाइन कहाँ कहाँ पे, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया बच्चा लोग, 1-3 ब्यूटाडाइन या ब्यूट 1-3 डाइन, सही है। तो बच्चा लोग ये जो मॉलिक्यूल है 1-3 ब्यूटाडाइन, हकीकत है कि इसमें जो पाई का क्लाउड है सब जगह बराबर, सब जगह पाई का क्लाउड बराबर, कहीं पाई ज्यादा है कहीं पाई कम है, किसी बॉन्ड की लंबाई कम है किसी बॉन्ड की लंबाई, तो कौन बॉन्ड छोटा कौन बॉन्ड बड़ा, कौन बॉन्ड छोटा कौन बॉन्ड बड़ा, बताया था मैंने, बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पे, किस पे डिपेंड करता है, जहां डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे लेंथ कम होगी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, पाई बढ़ने से लंबाई, तो बताओ इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, बताए थे ज्यादा पाई मतलब ये बॉन्ड छोटा, कम पाई यानी बॉन्ड, कोई दिक्कत, हाँ बेटा देखो इसके वजह से लेफ्ट पे क्या होना चाहिए, प्लस, इसके वजह से लेफ्ट पे यानी कुल मिला के कोई चार्ज, इसके वजह से राइट वाले पे प्लस, इसके वजह से राइट वाले पे माइनस, मतलब कोई चार्ज, समझे नहीं समझे, अरे ये जहाँ पे प्लस ला रहा है वहीं पे यहाँ ई कौन ला रहा है, माइनस, तो प्लस माइनस मिलके खत्म हो जाएगा। दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में क्या लगा है, पाई, अब क्या लगाना है, ऑक्टेट फॉर, बोलो ऑक्टेट फॉर केटायन, रिजल्ट क्या है, कॉन्क्लूजन क्या आएगा, कॉन्क्लूजन क्या आएगा, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो, जिसमें ऑक्टेट यानी लिखो कैनोनिकल स्ट्रक्चर विथ, कैनोनिकल स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ केटायन इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल देन कैनोनिकल स्ट्रक्चर विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एग्जाम्पल देखना, देखना एग्जाम्पल, ये ऐसा है, पाई के बगल वाले पे क्या है, रेजोनेंस होगा, तो ये पाई एट बॉन्ड से कहाँ जाएगा, आपको पता है रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दो ही तरीके से जाता है, कहाँ, एटम से बॉन्ड पे आया, बॉन्ड से, तो बेटा इसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, इस कार्बन पे कौन चार्ज आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इसके बीच नहीं, खट से बॉन्ड, देखना ऑक्टेट वाला क्या है हिसाब किताब, ऑक्टेट वाला देखना, इसका ऑक्टेट पूरा है कि गड़बड़ है, फास्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो, फास्फोरस के वैलेंस सेल में, और बॉन्ड कै गो है, तो पांच और चार और एक प्लस है मतलब आठ, समझे नहीं समझे, एक बार फिर से, फास्फोरस के पास कितना था, और चार बॉन्ड बनाया मतलब चार इलेक्ट्रॉन और, तो पांच चार नौ और एक प्लस है मतलब एक गायब, तो आठ, ऑक्टेट पूरा की गड़बड़,
यानी ऑक्टेट हमको किसका चेक करना है, कैटायन का। ऑक्टेट किसका चेक करना है, तो तुम बोल सकते हो यहाँ पे ऑक्टेट कैसा, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ इसका चेक करो, बताओ यहाँ पे पहले से क्या हाइड्रोजन रहा होगा, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, चार। क्या बॉन्ड दिख रहा था, दो। जो नहीं दिखता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं नजर आता है, सही है ना। तो बताओ इस कार्बन पे पहले से दो हाइड्रोजन था, तो कार्बन तो अभी भी हाइड्रोजन रहेगा, बोलो ना। कै बॉन्ड कार्बन पे, तीन बॉन्ड मतलब कै इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कै इलेक्ट्रॉन, दो, तीन बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, यानी कितना इलेक्ट्रॉन है ये। क्या ऑक्टेट पूरा पूरा है, ऑक्टेट कैसा है, बोलो बोलो ऑक्टेट कैसा है। इनकम्प्लीट कहने का मतलब इसका स्टेबिलिटी, बोलो बोलो, कम होगा। समझे नहीं समझे, तो ऑक्टेट हमको किसका चेक करना होता है, केटायन वाले का। न्यूट्रल और एनायन का चेक करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम बर्बाद करेंगे आप। ये पहला, ये दूसरा, सुनिएगा। ऑक्टेट हमको किसका चेक करना है, यहाँ केटायन ये है, फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने हैं, पाँच, और चार बॉन्ड बनाया मतलब चार इलेक्ट्रॉन और, तो पाँच चार, आएगा प्लस है मतलब। यहाँ कार्बन का बॉन्ड है, तीन बॉन्ड मिला के कई इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा है क्या, ऑक्टेट पूरा है क्या। तो स्टेबल कौन ज़्यादा होता है बताओ, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, फर्स्ट की कि सेकंड की। तो क्या ये पाई से पता चला, पाई से क्यों नहीं पता चला, पाई अगर लगाते हो तो इसमें भी कितना पाई, इसमें भी कितना पाई, तो पाई बराबर हो गया, तो पाई वाला फंडा काम, तो दूसरा फंडा है किस पे, कोई दिक्कत। समझे नहीं समझे, तो बताइए इसमें जो RHS होगा, रियल स्ट्रक्चर कौन होता है बताओ, RHS में किसका असर ज़्यादा होगा, फर्स्ट का कि सेकंड का, यानी पाई का क्लाउड किसकी तरफ ज़्यादा, कार्बन कार्बन के तरफ कि कार्बन फॉस्फोरस के तरफ, यानी यहाँ पे पाई का क्लाउड ज़्यादा, अरे इसका असर इसमें ज़्यादा ना, और यहाँ पे पाई का क्लाउड, तो तुम बोल सकते हो यहाँ पे लेस पाई, यहाँ पे थोड़ा प्लस, यहाँ भी थोड़ा प्लस। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मोर पाई, चार्ज कहाँ पे ज़्यादा होगा, इसका असर, इसका असर, तो इसके हिसाब से चार्ज कहाँ रहना चाहेगा, इसके हिसाब से कहाँ रहना चाहेगा चार्ज, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज, बोलो बोलो, ज़्यादा होगा। समझे नहीं समझे, और यहाँ पे चार्ज कैसे समझ में आया कि यहाँ पे चार्ज कम होगा, क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ पे चार्ज आ रहा है और इसका असर इसमें कम आएगा, और ये कहता है चार्ज रहेगा प्लस पे, लेकिन इसकी बात कम होगी यहाँ पे, यानी यहाँ पे चार्ज कम होगा। समझे नहीं समझे, आए कम और ज़्यादा, हाँ नहीं समझे, ज़्यादा कैसे समझ में आया, चार्ज को बड़का वो कर दिए, कम के लिए छोटा कर दिए, कोई दिक्कत छोटू, छोटू
तीसरा स्टेप क्या देखना है बताइए। जब ऑक्टेट वाला ये फंडा काम ना करे तब क्या देखते हैं? सी दैट कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर चार्ज और नॉट। दो ही बात होगी, या तो चार्ज होगा या कोई बिना चार्ज वाला भी होगा। कॉन्क्लूजन क्या है? अनचार्ज्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन अनचार्ज, मतलब जिस पे चार्ज नहीं है। बिना चार्ज वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। जैसे ये देखिए, एक बार फिर से आ गया आपका, क्या आ गया फिर से? फॉर्मिक एसिड। इसमें और इसमें देखिए, सबसे पहले आप क्या देखते हैं? पाई। सबसे पहले क्या देखते हैं? कह गो पाई, एक एक पाई से काम। फिर क्या लगा है? किसका ऑक्टेट? ऑक्टेट यहीं पे है। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, और कितने बॉन्ड हैं? तो 6 3 और एक ओ प्लस, मतलब ऑक्टेट। यानी ऑक्टेट का कोई पंगा, ऑक्टेट से स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं होगी। तो डिसाइड किससे होगी? किससे डिसाइड होगी? पहले वाले में चार्ज, दूसरे वाले में। तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा? पहले में चार्ज नहीं है, दूसरे में अनचार्ज वाला का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। इसीलिए पहला का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, दूसरे का स्टेबिलिटी। तो इसमें असर किसका ज़्यादा होगा? पहले का असर ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे पाई का क्लाउड, यहाँ पे पाई का क्लाउड, कोई दिक्कत? और वैसे ही चार्ज तो आपको पता ही है, यहाँ पे थोड़ा माइनस, यहाँ पे थोड़ा प्लस। पता चल गया कहाँ मोर पाई, कहाँ लेस पाई, कहाँ मोर पाई, कहाँ पाई ज़्यादा? इसके साथ पाई ज़्यादा, इसके साथ पाई, कोई दिक्कत? स्टेप चौथा, सी द नेचर ऑफ चार्ज एटम। सी द नेचर ऑफ चार्ज्ड एटम। यहां से कॉन्क्लूजन क्या आएगा सुनिएगा। हाँ, सी द नेचर ऑफ चार्ज एटम इन डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर के चार्ज एटम को बारीकी से देखना होगा कि पहला में चार्ज एटम कौन कौन है, दूसरे में चार्ज एटम कौन कौन है, पहले में माइनस कहाँ पे है, दूसरे में माइनस कहाँ पे है। बिल्कुल बारीकी से देखना होगा तभी निष्कर्ष निकलेगा। फंडा क्या है यहाँ पे? हाँ, जो फंडा है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फंडा है कि सही जगह पे अगर सही चीज़ है तो सही है, राइट थिंग राइट प्लेस। सही जगह पे क्या है? यानी सही चीज़ अगर सही जगह पे है, राइट प्लेस है, तो मोर स्टेबल होगा। तो क्या होगा? मोर स्टेबल। कहने का क्या मतलब है समझिएगा। 15 अगस्त को, आने वाले 15 अगस्त को अगर बाबा रामदेव तिरंगा झंडा फहराएं और बताएं कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होगा, केस वन, केस टू जो बीत गया 21 जून, कौन जून? वर्ल्ड योगा डे। उस दिन अगर मोदी जी आके बताते कि योगा करने से हमारे बॉडी में क्या क्या फायदा है, ये दोनों एग्जाम्पल सुटेबल है क्या? इसका मतलब क्या है? सही जगह पे सही चीज है क्या? 15 अगस्त के दिन बाबा रामदेव आके हमको समझाएं कि हमारे देश को आज़ादी मिली थी और क्या हुआ था और अभी हम क्या कर रहे हैं और आगे क्या कर रहे हैं। पूरा विजन रखते हैं प्रधानमंत्री उस दिन। योगा डे के दिन हमारे मोदी जी आके समझाते हैं योगा करने से भाइयों बहनों ये होता है वो होता है, सुटेबल है क्या? यानी सही जगह पे सही चीज़ नहीं ना, मतलब गड़बड़ है। हमको चेक करना है कि नेगेटिव कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ है, स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है। पहला एग्जाम्पल ये रहा अपने सामने बच्चों, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल, और इसी का रेजोनेंस करने के बाद ये हो गया ऐसा, एटम से
बॉन्ड पे आया, बॉटम से बॉन्ड से एटम पे आया, ऐसा हो गया। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं कि अलग अलग? सबसे पहले स्टेबिलिटी के लिए क्या लगाएंगे? पाई बॉन्ड, कह गो पाई, पाई से डिसाइड। दूसरा क्या लगाएंगे? किसका ऑक्टेट? केटाइन को, है ये नहीं, खत्म हो गया। तीसरा क्या लगाएंगे? दोनों में चार्ज है, अनचार्ज भी गया। चौथा क्या लगेगा? चौथा क्या लगेगा? नेचर ऑफ चार्ज एटम इन, यहां जो माइनस है किस पे है? यहां माइनस किस पे है? यानी दोनों में सेम जगह पे चार्ज है कि अलग अलग जगह पे? तो अब हम लगाएंगे अपना बुद्धि। अब हम क्या लगाएंगे? बुद्धि, क्योंकि आप खा के आए हैं खुद्धि। सुनिएगा, अब देखिएगा बच्चों, मैं क्या बोल रहा था बेटा, नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। कहाँ होना चाहिए बच्चा लोग? ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? मैंने बताया था फोन कलस ब्रिक पीएच, क्या बताया था? यानी कार्बन बहुत नीचे है, तो मतलब यहाँ माइनस सही जगह पे कि गड़बड़ जगह पे? आई कहाँ गया? ऐसा सैसा होना चाहेगा क्या? यानी इसकी स्टेबिलिटी यहाँ से यहाँ जाना नहीं चाहेगा, यानी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? बोल दे मेरा बच्चा लोग, क्या होगा? समझ में आया? बोलो, मेरे बाबू को समझ में आया? मेरे सोने को समझ में आया? तो बताओ अब जो रियल स्ट्रक्चर होगा कौन सा स्ट्रक्चर? बोल दे भाई, RHS में किसकी किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, पहले का कि दूसरे का? पहले के हिसाब से पाई किसके बीच रहेगा? कार्बन कार्बन के बीच कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच? कार्बन कार्बन के बीच डॉट, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डॉट, इसीलिए इस बॉन्ड की लेंथ, इस बॉन्ड की लेंथ दिख रहा है हाँ के ना, ये बड़ा है ये, कोई दिक्कत? व्हाट अबाउट चार्ज? व्हाट अबाउट चार्ज? इसके हिसाब से इसमें कंट्रीब्यूशन, इसके हिसाब से चार्ज किस पे? कैसे पता चलेगा यहाँ चार्ज ज्यादा है? कैसे लगा, क्या किया उसको? नहीं, यहाँ पे चार्ज, सॉरी, कोई दिक्कत? समझे नहीं समझे? तो आप कह सकते हैं यहाँ पे चार्ज, बोल दे मोर चार्ज, यहाँ पे चार्ज लेस चार्ज, समझ गए क्या? बोलना, बोल दे, चल लिख, समझ गए तो लिख। क्या देख रहे हैं बताइए, बोलो, सी द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, नॉट चार्ज, बिटवीन चार्जेस इन डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, इन डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कॉन्क्लूजन क्या आएगा? बोल दे मेरा बच्चा। नहीं, कॉन्क्लूजन ये आएगा, सुनना, अगर अपोजिट चार्ज है, चार्ज कैसा है? अपोजिट चार्जेस कहाँ होने चाहिए? अपोजिट चार्जेस कहाँ होने चाहिए? पास पास के दूर दूर, सही है। अपोजिट चार्ज कहाँ होना चाहिए? अगर दूर दूर है तो रहे काम चलेगा क्या? तो दूर दूर अगर है अपोजिट चार्ज, नहीं तो उसके लिए, अरे अपोजिट चार्ज दूर दूर है तो गड़बड़ है ना, अपोजिट चार्ज कहाँ होना चाहिए? और सिमिलर चार्ज कहाँ होना चाहिए? सिमिलर चार्ज एक दूसरे को बोलता है, बुलाता है, मगर जाने का नहीं। सिमिलर चार्ज कहाँ रहता है? क्योंकि पता है नज़दीक आएगा तो क्या होगा, फोड़ फाड़ हो जाएगा, मार देगा, फाड़ देगा, इसीलिए अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज बुलाता है मगर जाने का नहीं, और सॉरी अपोजिट चार्ज बुलाता है तो जाने का, लेकिन सिमिलर चार्ज बुलाता है तो जाने का नहीं। समझ रहे हैं ना? अपोजिट चार्ज कहाँ रहता है? ओ, अपोजिट चार्ज कहाँ रहता है? और सिमिलर चार्ज, सही है ना, सिमिलर चार्ज एक दूसरे का था, ओ स्त्री तू कल आना, सही है ना, लेकिन अपोजिट चार्ज, आजा, सही है। तो अपोजिट चार्जेस कहाँ होने चाहिए? नियरर मतलब नज़दीक, है ना, भोजपुरी में बोलते हैं नियर है वाह, मतलब पास, अगर ऐसा है तो मोर स्टेबल,
ऐसा है तो बच्चा लोग एंड वाइस वर्सा। और अगर सिमिलर चार्ज है तो कहाँ रहना चाहिए? तुम लोग यार बोलते नहीं हो यार, सिमिलर चार्ज कहाँ होना चाहिए? दूर को क्या बोलते हैं? डिस्टेंट। आइए इसका एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन पे। सुनिएगा, ये एग्जांपल देखिए आप। देखिए ये एग्जांपल, रेजोनेंस कराएं, बोलो, एटम से, बॉन्ड से, इसके बाद क्या हो जाएगा? ये वाला जस का तस, यहाँ पे माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस, कोई दिक्कत? डोनर है तो कितना एरो? पाई के बगल में माइनस है, फिर रेजोनेंस होगा, फिर इसके बाद सी पे माइनस, ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा, ये तीसरा। हमको क्या पता करना है? स्टेबिलिटी। क्या पता करना है? क्यों स्टेबिलिटी पता करना है? बिना स्टेबिलिटी के आरएचएस पता चलेगा क्या? आरएचएस में कहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन कम है पता चलेगा क्या? सबसे पहले क्या लगाएंगे? कै पाई, पाई से कब तक पता? उसके बाद किसका ऑक्टेट? कोई केटाइन नहीं, केटाइन कौन? ऑक्सीजन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? छः। कै गो बॉन्ड है? छः, तीन, एक गो प्लस है, यानी ऑक्टेट, ऑक्टेट यानी ऑक्टेट नहीं काम किया। उसके तीसरा अनचार्ज, तीसरा इस पे नो चार्ज मतलब अनचार्ज, दूसरा तीसरा चार्ज, सबसे ज़्यादा स्टेबल पहला, उसके बाद अनचार्ज भी ख़त्म हो गया। अब क्या नेचर ऑफ चार्ज एटम, पॉजिटिव किस पे है, नेगेटिव किस पे है, यानी नेचर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेचर ऑफ नेगेटिव चार्ज डिफरेंट है। अरे दोनों में प्लस है कहाँ पर है, दोनों में माइनस कहाँ पर है, तो नेचर में कोई फर्क है क्या? तो आखिरी फंडा क्या लगेगा? तो बताओ यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है कि कम है, यहाँ डिस्टेंस कम है कि ज़्यादा है? तो बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, दूसरा कि तीसरा? इसलिए दूसरा आगे तीसरा पीछे। समझे नहीं समझे? बोलो समझे कि नहीं समझे? आरएचएस में अब आप आरएचएस में बताइए सबसे ज़्यादा असर कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? पहला के वजह से, ये एनर्जी के कितने लेवल हैं? तीन लेवल, यानी जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंट्रीब्यूट करेगा उसकी वजह से दो डॉट दिखाएंगे। कितना डॉट? अरे इसके वजह तीन अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, देखो ना भाई, तीन अलग अलग लेवल हैं। इसके वजह से सबसे ज़्यादा, इसके वजह से सबसे कम, इसके वजह से बीच में। तो ये जहाँ जहाँ पाई कह रहा है वहाँ पे कै गो डॉट लगाने वाले हैं? तीन गो। सबसे ज़्यादा कम कै स्टेप हुआ? अरे तीनों का एनर्जी बराबर है कि अलग अलग? तो तीनों कंट्रीब्यूट करेगा, तो एगो सबसे ज़्यादा करेगा, एगो सबसे आएगो बीच में करेगा, तो कैसे पता चलेगा? इसके वजह से क्या डॉट? तीन। इसके वजह से समझे नहीं समझे? तो पहला की वजह से कहाँ डॉट दें? किनारे में कै डॉट, उसके बाद फिर इसके बीच कै डॉट, तीन डॉट, कोई दिक्कत? फिर इसके हिसाब से यहाँ पे कै डॉट, देखो ना जी, फिर यहाँ पे कै डॉट, फिर इसके हिसाब से यहाँ पे कै डॉट। अब एक बात बताओ, यहाँ इस कार्बन कार्बन के बीच कै डॉट? तीन को है, यहाँ, यहाँ पांच, यहाँ, यहाँ, बताओ तीनों कार्बन में कार्बन का बॉन्ड है, सब बराबर बराबर है क्या? सवाल समझ में आया क्या पूछा जाता है एग्जाम में? पूछेगा कि बताओ ये लेंथ ज़्यादा की वाला ज़्यादा की वाला ज़्यादा,
तीनों तीनों लेंथ बराबर है क्या? समझ में आया रेजोनेंस का रियल एस्पेक्ट क्या है? एक बार फिर से सुनिएगा, रेजोनेंस में यहाँ से यहाँ सबके बीच पाई है, लेकिन सब जगह बराबर पाई, कहीं पे पाई बहुत ज़्यादा है, कहीं पे पाई, कहीं पे बीच में है। तो इस बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा आज तक का रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस से आपको ये पता चलता है कहाँ कहाँ रेजोनेंस हुआ, कैसा कैसा स्ट्रक्चर बना, किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। सही है, तब पता चलता है कि रियल मॉलिक्यूल में किसका लंबाई ज़्यादा होगा, किसका लंबाई। और पहले जो हम लोग आँख मूंद के डॉट देते थे उसमें पता नहीं चलेगा कहाँ ज़्यादा कहाँ, अब हम लोग प्रॉपर RHS ड्रॉ कर रहे हैं। समझ रहे हैं क्या? एक बार फिर से बच्चों, इन तीनों की स्टेबिलिटी तीन लेवल पे है, इसलिए जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसके वजह से कितने डॉट, जो सबसे कम स्टेबल है उसकी वजह से एक। सही है, जरा चार्ज भी देख लीजिए, इसका असर, अरे इसका असर ज़्यादा, इसका असर, तो ये तो दोनों की वजह से ऑक्सीजन पे कौन चार्ज आ रहा है, लेकिन इसके वजह से यहाँ माइनस है, तो बताओ माइनस यहाँ ज़्यादा आएगा कि माइनस यहाँ ज़्यादा आएगा? माइनस कहाँ ज़्यादा आएगा, यानी इस माइनस को क्या कर दें, इस माइनस, ये तो छोटा है ये, समझे नहीं समझे, समझ गए क्या, क्या समझे? अगला सवाल देखिए, एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है फिनॉल, बताइए बच्चों एग्जाम्पल मैंने कौन सा लिया है, फिनॉल। मैं चाहता हूँ कि आप देखें, ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, सबसे पहला सवाल मान लीजिए अगर इसी साल आ गया सवाल एग्जाम में कि ये फिनॉल है, आपको पता है ऐसा दिखाएंगे, और पूछा जाए कि बच्चा बॉन्ड, इसका बॉन्ड का लेंथ एक्स है और ये वाला बॉन्ड का लेंथ वाई है और इस वाले बॉन्ड का लेंथ जेड है, बताओ एक्स और वाई और जेड कंपेयर करो, और चार ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन क्या रहेगा पता है तुमको? पहला ऑप्शन क्या रहना चाहिए? एक्स बराबर वाई बराबर जेड रहना चाहिए कि नहीं? और आपको नहीं लगता कि बच्चा इसी में मार देगा आंसर? आपको क्या लगता है हकीकत में एक्स बराबर वाई बराबर जेड होगा? कतई नहीं होगा। सही है ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप थोड़ा सा इसका झलक देख चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ देखने हैं और समझने की कोशिश करें कि क्या फिनॉल के सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। तो ये मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। सही है बच्चों? हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? यहां तुमको पता है लोन पेयर तो होगा ही, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, हाँ के ना? इसके वजह से तुमको पता है ऐसा होना है। सही है? अब तुम ये मत बोलना कि सर आपका स्पीड ज़्यादा है, मारबो करेंगे बोलोगे ये सब बात तो, क्योंकि सब इतना पढ़ा के यहाँ पहुँचाए हैं एकदम, मेरा बउआ रे मेरा सुग्गा रे एकदम कर करके यहाँ आए हैं, हाँ के ना? बोल बोल। चलो इसके बाद ऐसा हो गया, सही है, इसका हम नाम रह देते हैं, पहला स्ट्रक्चर ये तीसरा ये पांचवा, क्या पांचों का स्टेबिलिटी बराबर है? नहीं ना है, इधर वाला लिख चुके हैं क्या आप लोग? मिटा दें इधर वाला, आराम से देखिएगा, हम सबसे पहले क्या कंपेयर करने वाले हैं, क्या कंपेयर करने वाले हैं? स्टेबिलिटी। क्या कंपेयर करेंगे? स्टेबिलिटी क्यों कंपेयर करना चाहते हैं? ताकि हम ये समझ पाएं कि जो रियल स्ट्रक्चर होगा उसमें किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा और किसका, तभी हमको पता चलेगा एक्स वाई और जेड में क्या संबंध है, कौन बड़ा है कौन बराबर है कौन छोटा है। सबसे पहला फंडा क्या लगाते हैं? कैप आई, दो कैसे, एक दो तीन, किसने कहा दो? सही है, किसने कहा दो? खींच के क्या करेंगे? सही है ना? इसमें
देख लो भाई, देख लो अच्छे से देख लो, इसमें भी पाई से पता, दूसरा किसका ऑक्टेट, केटाइन कहाँ है, अरे इसका प्लस गायब हो गया था, आ गया है केटाइन केटाइन केटाइन, और कहीं केटाइन है क्या? ऑक्सीजन पे कितना बॉन्ड, कै वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और तीन को मतलब छः तीन, और नौ में को प्लस मतलब आठ आठ आठ, ऑक्टेट का कोई पंगा, उसके तीसरा फंडा अनचार्ज, कौन कौन, मेरे को तो लगता है पहला बराबर पांचवा, सही है, पहला बराबर, पहला और पांचवा सबसे ज्यादा स्टेबल, यानी अगर हम यहां एनर्जी का स्केल लें, क्या ले लें यहां पे, तो सबसे नीचे कौन आएगा, पहला बराबर, और इस सब के करीब होता है कौन, सबसे नीचे कौन, यानी आरएचएस में किसका असर सबसे ज्यादा, पहला और पांचवा का, यानी पहला और पांचवा जहां जहां कहेगा वहां पे पाई सबसे ज्यादा, ज्यादा नहीं। अब इसके बाद पहला पांचवा के बाद बचा है कौन, दूसरा तीसरा अनचार्ज भी लगा लिए, उसके बाद तीसरा फैक्टर क्या है, प्लस किस पे है, यानी नेचर ऑफ एटम हैविंग प्लस चार्ज आर सेम और डिफरेंट, इन सब में जहां प्लस है वो सेम एटम पे कि अलग अलग पे, माइनस किस पे है, कार्बन पे कार्बन पे कार्बन पे, ये आपको पता है ना बच्चों, इसमें कार्बन कहाँ कहाँ है, हर मोर पे हर छोर पे, बताए थे ना जब सिर्फ लाइन ड्रॉ करते तो कार्बन कहाँ कहाँ होता है, हर मोर पे हर छोर पे, सही है बच्चों, तो बेटा माइनस किस पे है, माइनस यानी माइनस जहाँ पे है कार्बन पे ही है, तो एटम सेम है कि अलग अलग, कार्बन पर माइनस है ऑक्सीजन पे प्लस है, यानी इससे काम, आखिरी फंडा डिस्टेंस, ये वाला प्लस माइनस और ये वाला प्लस माइनस बराबर दूरी पे है क्या, और ये वाला देखिए तो हमको लगता है कि ई आई वाला सेम है, हाँ के ना, दाहिना ऑर्थो बायां ऑर्थो सेम है कि नहीं, तो यानी हमको लगता है दूसरा बराबर है, दूसरा बराबर सबसे कम, बताओ इसके बाद अब कौन आएगा, दूसरा बराबर यहां पे कौन आएगा, समझे मिस्टर मिश्रा, समझे नहीं समझे बेटा, एक बार फिर से हमारे एनर्जी के कितने लेवल हैं, तो इसके वजह से क्या डॉट, इसके वजह से, इसके वजह से अगर एनर्जी का चार लेवल होता तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता उसकी वजह से चार डॉट, समझे नहीं समझे, एनर्जी का दो लेवल हो तो मोस्ट स्टेबल की वजह से दो डॉट, कम स्टेबल की वजह से, समझे नहीं समझे, अब बताइए, अगर समझे तो आराम से बताइए, एकदम आराम से, आई एम यूजिंग थ्री कलर ऑफ चॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू शो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वन एंड फाइव, वॉट अकॉर्डिंग टू वन, पाई शुड बी इन बिटवीन इप्सो एंड राइट ऑर्थो, यस और नो, तो बेटा पहला का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, तो इसके वजह से मैं यूज कर रहा हूँ कितने डॉट्स, बाहर हम ना लिख के अंदर लिखते हैं, हो पीछे वाले को दिखा, दिखा ना, नहीं दिखा तो हम फिर चेंज कर लेंगे कलर, कलर तो अपने हाथ में है, इसके वजह से बताओ, अरे पहला का किए है ना जी, पांचवों का ना करेंगे, पहला का बताओ, तो ये बाएं कहाँ कहाँ पे है पाई, ऑर्थोमेटा है ना बेटा, ऑर्थोमेटा कै डॉट, तीन डॉट, कोई दिक्कत, बोलो बोलो मेरे बाबू को समझ में आया, इसके हिसाब से दाहिना वाला मेटा और, तो दाहिना वाला मेटा और पैराग्राफ में कै डॉट, सही है, जितना पहला के हिसाब से हम दिखा दिए हैं भैया, अब हम दिखाएंगे किसमें हिसाब से, पचमा कहता है बायां ऑर्थो की तरफ रहेगा पाई, बोलो हाँ के ना, तो बायां ऑर्थो की तरफ जितना ही दाहिना ऑर्थो को लाया था ये पचमा जो उतने बाएं ला दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत,
इसके हिसाब से दाहिने ऑर्थो और कै गो डॉट, मतलब ये दोनों में कोई किसी से कम, हम किसी से कम नहीं। तुम तीन गो लाया, हम भी तीन गो लाएंगे। तुम लाया दहीने, हम लाएंगे दहीने बाएं, दहीने बाएं, सही है ना। और ये इसके हिसाब से बायां मेटा और बायां मेटा और कै डॉट, इसका काम सही है। यानी पहला और पांचवा अगर कंट्रीब्यूट करता तो सब जगह पाई बराबर बराबर था, लेकिन क्या पहला और पांचवा के बाद ये सब ऐसे रुक लेगा? नहीं भैया, आप करिए, ले हम चले भैया, ऐसा होगा क्या भैया? ये भी कंट्रीब्यूट करेगा? हाँ के ना, हाँ ना। तो देखो तो दूसरा किधर कहता है पाई आएगा, किधर बायां ऑर्थो और कै गो डॉट, दो डॉट, कै गो डॉट, और उसके बाद दाहिना कै गो डॉट, दाहिना मेटा और पैरा के बीच कै गो डॉट, और इप्सो और ऑक्सीजन के बीच कै गो डॉट, ऑक्सीजन पर प्लस दाहिना ऑर्थो पर, बोलना। दूसरा का तो काम करा दिया, चौथा का काम कराइएगा कि ना कराइएगा? चौथा कहेगा किधर रहेगा पाई? दाहिने ऑर्थो और कै गो डॉट, और बायां मेटा और कै गो डॉट, और बायां ऑर्थो पर माइनस, बोलो हाँ के ना, इप्सो ऑक्सीजन के बीच में भी, यहां पर एक और डेल्टा प्लस, कोई दिक्कत? बोलो बोलो कोई दिक्कत? आप देखो आप कुछ कुछ कांड दिख रहा है, आप कुछ कुछ कांड दिख रहा है, यहां पे कै गो डॉट टोटल, यहां पे, यहां पे, यानी क्या रिंग में सब जगह बराबर बराबर? क्या रिंग में सब जगह बराबर बराबर? अभी एक और बाकी है, कौन अभी आएंगे? मिस्टर मिश्रा देखिएगा, तीसरा किधर कहता है किधर रहेगा पाई? किधर किधर? दाहिने भी और बाएं भी, कहां कहां? यानी यहां पे, नाउ आई एम यूजिंग द थर्ड कलर विच इज इन फैक्ट नॉट अ कलर। व्हाइट कोई कलर होता है क्या? व्हाइट कोई कलर नहीं होता है। यहां पे, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे कितने डॉट? कितने डॉट? यहां पे कितने डॉट? यहां पे कितने डॉट? यहां पे डॉट, यहां पे डॉट। क्या रिंग में सब जगह डॉट बराबर बराबर? क्या रिंग में सबकी लंबाई बराबर बराबर? अच्छा आप समझ में आया ये सवाल कैसा? अगर ये सवाल पूछ दिया और किसी का जवाब ये सही हो जाए, इसका मतलब क्या है कि रेजोनेंस का उसने दिमाग का दही बना के मक्खन निकाल के घी निकाल लिया है वो। समझे नहीं समझे? अगर ये सवाल किसी का सही होता है, इसका मतलब रेजोनेंस की सारी बातें अक्षर स क्रिस्टल क्लियर है। अभी यहाँ पे चार्ज लगाना बाकी है मेरे भाई, यहाँ पे चार्ज किसके हिसाब से? तीसरा के हिसाब से पैरा पे, हाँ के ना? तो तीसरा के हिसाब से जो यहाँ चार्जवा आएगा, ये चार्ज कम रहेगा कि ज्यादा? ये चार्ज कम कि ज्यादा? बोलो बोलो। तो कम चार्ज, यानी चार्ज जो है दोनों जगह बराबर बराबर है क्या? ऑर्थो पे चार्ज, पैरा पे? गलती से अगर कोई बोल दिया सर दोबारा समझाइए, सही है ना, तो उसको हम खोमचे में ले जाके बात करेंगे। अरे ऑक्सीजन पे दो को डेल्टा प्लस रह जाए, लगाओ ना भाई, ल ल तू ही खुश रह, ले और लगा दें। गलती से अगर कोई बोल दिया सर इसको फिर से समझाइए, तो उसको हम खोमचे में ले जाके बात करेंगे, है ना, समझे क्या? तो आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि आप कह सकते हैं यहां पे पाई, यहां पे पाई लीस्ट है, लेस किसको दिखता है? लीस्ट मतलब सबसे कम, यहां पे मैक्स मोर किसको दिखता है? मोर अमोर नहीं देखने आया तुम यहां? मोर, हाँ मार के देंगे माथा फोर। यहां पे बताओ,
मॉडरेट पाई। कैसा पाई? मॉडरेट मतलब मॉडरेट बने पीछे वाला, यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे। तो बताओ क्या तीनों बॉन्ड में सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा? सबसे छोटा कौन सा? कौन सा? अबे देखना इधर, मैक्स किधर है? वाई। देखो ना भाई, कोई दिक्कत? क्या ये एग्जांपल समझ में आया? घर जाके इस एग्जांपल को कम से कम, आज जितने एग्जांपल्स कराए गए हैं कम से कम कई बार, तब ये सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा आपके दिमाग में? हम कैसे मान लें कि आप ये समझ गए? हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन देंगे। कुछ क्या देंगे? और ये सब करने के बाद घर जाके आप उस पर कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? तब पता चलेगा जब आपके दिमाग की बत्ती है ना भूख भाग करेगी ना दिमाग की बत्ती, तब पता चलेगा क्या समझे क्या नहीं समझे। चलिए, एक बहुत बहुत प्यारा मॉलिक्यूल है पाइरोल। कौन सा मॉलिक्यूल? बच्चा लोग, बहुत प्यारा मॉलिक्यूल है। क्या नाम है इसका? पाइरोल। कौन सा मॉलिक्यूल? पाइरोल। कौन मॉलिक्यूल है? पाइरोल। आपको पता करना है इन पाइरोल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और यहाँ नाम दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सवाल पूछा गया कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम किस पे है? पहला पे कि दूसरा पे कि तीसरा पे कि चौथा? चौथा क्या रहेगा लिखा हुआ? इक्वल ऑन ऑल। ये सवाल क्या करना है? घर जाके कोशिश करना है, सही है? लेकिन बिफोर दैट, उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना है? जो आपने आज पढ़ा है उसको पहले क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करेंगे, पूरा लिखेंगे एक बार फिर से, तब आके इस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिएगा। फिर भी गलती होगा, फिर भी क्या होगा? गलत ही होगा। अगर गलत नहीं हुआ तो आप समझ जाइएगा कि रेजोनेंस आप सीख चुके हैं। अब सबसे पहले क्या समझते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से भी सवाल आता है और डायरेक्ट आता है ना? तो देखो, बड़ा सीधा सा बात है, जब रेजोनेंस होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, हाँ के ना? रेजोनेंस की वजह से एनर्जी क्या होती है? तो जितना एनर्जी रिलीज होगा उसी का नाम होगा कौन सा एनर्जी? यानी रेजोनेंस एनर्जी, एनर्जी क्या है? रिलीज्ड। तो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो रेजोनेंस एनर्जी के माध्यम से क्या पता कर सकते हैं? स्टेबिलिटी। अगर अलग अलग मॉलिक्यूल है तो पता कर सकते हैं कि किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसका स्टेबिलिटी कम है। तो इसके लिए आपको क्या सीखना होगा? तो बड़ा सीधा सा बात है, अगर रेजोनेंस किसी में ज़्यादा हो जाए और किसी में रेजोनेंस कम हो, अलग अलग मॉलिक्यूल है, किसी में रेजोनेंस ज़्यादा किसी में रेजोनेंस कम, तो रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा? जिसमें ज़्यादा होगा रेजोनेंस उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा। और दूसरा पार्ट कि अगर कोई आसानी से रेजोनेंस कर जाए और कोई आसानी से रेजोनेंस ना करे, तो रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा? कोई आसानी से रेजोनेंस कर रहा है और कोई आसानी से नहीं कर रहा है, मुश्किल से कर रहा है, तो रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा? जो आसानी से करे, हाँ के ना? कोई दिक्कत?
समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो रेजोनेंस एनर्जी दो बात पे डिपेंड करता है, पहला रेंज कहाँ तक है और दूसरा कितनी आसानी से रेजोनेंस हुआ। सही है? तो आइए इन चीज़ों को पहले लिखते हैं, फिर क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और ये टॉपिक निपटाने के बाद ये नोमेनक्लेचर रिवाइज करेंगे। तो चलिए लिखिए, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेजोनेंस, ड्यूरिंग रेजोनेंस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। सिंस रेजोनेंस एनर्जी इज रिलीज्ड एनर्जी देयरफॉर रेजोनेंस इज देयरफॉर रेजोनेंस एनर्जी इज स्टेबिलिटी स्टेबिलाइजिंग प्रोसेस। रेजोनेंस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन चलिए सुनिएगा बच्चों, देखिए मैंने क्या समझाया, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, तो क्या लिखा गया, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेजोनेंस और ये डॉट 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 का मतलब इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज क्या, चूंकि ये कैसा एनर्जी है, रिलीज्ड एनर्जी है, इसीलिए रिलीज्ड एनर्जी होने की वजह से ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, यानी स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला फैक्टर है। सही कि गलत? यानी किसी भी मॉलिक्यूल, अगर अलग अलग मॉलिक्यूल हो और उन सबकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो तो आप रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करके बता सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और किसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि ये रिलीज एनर्जी है, जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। सही कि गलत? और जो कम रिलीज कर, जो जिसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होगी उसकी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। रेजोनेंस एनर्जी दो चीज पे डिपेंड करता है, पहला किस चीज पे, ईज मतलब चांस, कितना आसानी से हो रहा है, और दूसरा किस चीज पे, तो चांस ऑफ रेजोनेंस और रेंज ऑफ रेजोनेंस, मेन बात यही है। अब इसके थ्रू सवाल पे आएंगे, लिखो यहां तक। क्वेश्चन है कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी, यानी या तो रेजोनेंस एनर्जी पूछ सकता है या स्टेबिलिटी पूछ सकता है। सबसे पहला एग्जांपल लिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे माइनस, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऊपर माइनस, ये पहला, फर्स्ट सेकंड, सही है? सुनना, यहाँ रेजोनेंस करने में कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन दे रहा है, यहाँ कौन दे रहा है, आसानी से कौन देगा, इलेक्ट्रॉन देना है आसानी से कौन देगा, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो कि जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए कंजूसी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, वो खींच के रखना चाहता है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा यानी वो इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा कंजूस है तो उसके इलेक्ट्रॉन देने का चांस कम है। तो बताओ इसमें जल्दी ये देना चाहेगा कि जल्दी ये देना चाहेगा, तो कार्बन जल्दी देना चाहेगा। यानी यहाँ पे बात किससे डिसाइड हुआ,
ईद से कि रेन से? ईद से, पहला बात। दूसरा बात, जब ये रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस करने के बाद देखना ये ऐसा हो जाएगा, और ये जब रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। गौर से अगर देखो तो ये दोनों एक जैसा स्ट्रक्चर है, और एक जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। ये दोनों एक जैसा है क्या? है क्या एक जैसा? तो इसको कैसा बोलेंगे? यानी बेहतर रेजोनेंस कहाँ होता है, इक्विवेलेंट में कि नॉन इक्विवेलेंट में? कैसे समझ में आया कि इक्विवेलेंट में बेहतर है? इक्विवेलेंट मतलब क्या हुआ? दोनों का रेजोनेंस, दोनों के रेजोनेंस से जो स्ट्रक्चर बनेगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर। इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर। मान लो किसी के बाबूजी रिटायर होते हैं, 20 लाख रिटायरमेंट मिला, दो बेटा में बांटना है, एगो को 15 लाख, एगो को 5 लाख। रेजोनेंस हुआ क्या पैसे का? अरे नहीं हुआ। रेजोनेंस तो हुआ ना। रेजोनेंस मतलब पोजीशन चेंज। बाबूजी को पैसा मिला कै लाख? 20 लाख। दो बेटा में बांटना था, एगो को 15 लाख, एगो को 5 लाख। रेजोनेंस हुआ कि नहीं हुआ? रेजोनेंस अच्छा हुआ क्या? लेकिन दोनों को 10-10 लाख दे दें तो अच्छा हुआ, हाँ के ना? तो बेहतर रेजोनेंस कब है? जब बराबर बराबर रेजोनेंस हुआ, हाँ के ना? तो इसका और इसका कैसा हुआ रेजोनेंस? यानी इक्विवेलेंट वाले में कैसा होता है? इक्विवेलेंट वाला बेहतर, नॉन इक्विवेलेंट वाला कम बेहतर। समझे नहीं समझे? और यही तो बात समझाया कि 20 लाख रुपया बाबूजी को मिला, दो बेटा में बांटना है, तेगो को 11 लाख, एगो को 9 लाख। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होगा, हाँ के ना? होगा लड़ाई झगड़ा, मारपीट होगा, नाक मुंह टूटेगा। तो स्टेबिलिटी कम है कि ज़्यादा? लेकिन दोनों को 10-10 लाख दिए, फिर भी लड़ने का चांस है क्या? नाक मुंह फूटने का चांस है क्या? नहीं ना। तो बेहतर रेजोनेंस कब होता है? जब बराबर बराबर। सही है? तो पहला में जो रेजोनेंस हो रहा है कैसा वाला हो रहा है? बराबर बराबर वाला। दूसरे में बराबर बराबर वाला, तो ज़्यादा स्टेबल कौन? किसका? इक्विवेलेंट वाले का कि नॉन इक्विवेलेंट वाले का? तो इसीलिए जवाब बड़ा सीधा सा जवाब है कि रेजोनेंस एनर्जी बेहतर होता है किसका? बोलो बोलो, किसका होता है? इक्विवेलेंट वाले का बेहतर होता है किसके तुलना में? नॉन इक्विवेलेंट के तुलना में। कोई दिक्कत? तो एक और कॉन्सेप्ट आप सीख गए यहाँ पे, एक और कॉन्सेप्ट सीख गए। क्या सीख गए आप? बोलो ना जी। दूसरा बात आप ये भी बोल सकते थे कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोलना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो माइनस जो है कहाँ पे सही रहेगा? कार्बन पे सही रहेगा कि ऑक्सीजन पे? कल क्या बताए थे कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में? क्या बताए थे? माइनस कहाँ रहना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो सही जगह पे है, हाँ के ना? इसको पता है, हम रेजोनेंस करके जाएंगे तो कहाँ पे माइनस हो जाएगा? तो ऐसा होना चाहेगा क्या ये? लेकिन इसको पता है हम कार्बने पे माइनस है, वहाँ आ जाएंगे तभी कहाँ रह जाएंगे? तो इसके रेजोनेंस होने का चांस ज़्यादा, इसके रेजोनेंस होने का चांस। सोचने के आपके 2-3 नज़रिए को मैंने विकसित किया, समझे क्या? एक बार फिर से, यहाँ कार्बन पे माइनस है, यहाँ ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला कि ये वाला? ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या है? माइनस सही जगह पे है। तो अगर ये स्टेबल है तो इसके रेजोनेंस करने का चांस, ये सही जगह पे नहीं है इसके तुलना में, इसलिए इसके रेजोनेंस का चांस ज़्यादा। और एक तो मेन बात आपको पता ही है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी ज़्यादा कंजूस, तो उसके इलेक्ट्रॉन देने का चांस कम। कोई दिक्कत? दूसरा सवाल इधर वाला लिखे हैं कि नहीं लिखे? इधर वाला लिख लिए? मिटा दें?
दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल, इसमें रेजोनेंस कौन कर रहा है? नाइट्रोजन, इसमें रेजोनेंस कौन कर रहा है? जल्दी कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईडीपी, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। किस पे डिपेंड करता है? अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका ज़्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन देने का चांस, और इसका इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन देने का चांस। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर उल्टा डिपेंड करता है किसके? बोलो किसके? ये कम तो ये ज़्यादा तो ये। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का कि ऑक्सीजन का? यानी यहाँ भी इसका बात है, नाइट्रोजन जल्दी देगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? पहला ज़्यादा, दूसरा सही। यहाँ भी जो बात आया वो कैसे डिसाइड किए आप? किसे डिसाइड किए? ईच से। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या कहता है? इस बार रेजोनेंस में ये क्या करेगा? खींचेगा। और ये कैसा ग्रुप लगा हुआ है? बोलो, ये कैसा ग्रुप लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन देने वाला कि खींचने वाला? ये कैसा था? तो अब सवाल उठता है कि ज़्यादा कौन खींचेगा? जो ज़्यादा खींचेगा उसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। बोलो ना जी। तो ये पहला ज़्यादा खींचेगा कि दूसरा? कौन ज़्यादा खींचेगा? अरे रेजोनेंस करके आएगा ना, इधर हाँके ना, ये रेजोनेंस करके आएगा ना, हाँके ना, तो जल्दी किस में होगा रेजोनेंस? पहला में कि दूसरा में? पहला में होना चाहिए, पहला में रेजोनेंस ही नहीं होगा। याद करिए तो, क्या ये इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? काहे नहीं खींच सकता है? ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, तो जब पहला में रेजोनेंस नहीं होगा तो रेजोनेंस एनर्जी होगा, क्योंकि काहे नहीं होगा? देख लीजिए, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाए हुए है? चार बॉन्ड, NH3+, 1, 2, 3 और 4। नाइट्रोजन के पास कितना ऑर्बिटल होता है? नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड में दो सब सेल होते हैं, एस पी, एस में कै गो, पी में, एस में ए गो, पी में कै गो, कुल मिला के कै गो? चार ऑर्बिटल मिला के, एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? तो चार मिला, चार गो में कै गो रहेगा? तो चार गो तो भरा हुआ है, अब यहाँ डब्बा खाली है क्या? तो जब डब्बा खाली है तो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है क्या? तो इसीलिए रेजोनेंस एनर्जी किसका होगा? वन का होबे नहीं करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? सही है ना? कभी कभी ऐसे ही फंसा लेता है सवाल। अगला चौथा सवाल, सुनना, चौथा देख रहे हैं, यहां लगा है SH, यहां क्या लगा था? OH, किसका ज्यादा? बोलो चौथा, इसका रेजोनेंस होगा, इसका भी होगा, किसका ज्यादा होगा? बोलवे नहीं करता ये लोग, किसका? फर्स्ट का क्यों? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए इसका ज्यादा होना चाहिए, होता है उल्टा, पहला से ज्यादा दूसरा का। यानी अब आपके दिमाग को झटका लगना शुरू में झटका नहीं लग रहा था, तो लग रहा था अरे वाह, ये तो बड़ा आसान टॉपिक है। आप धीरे धीरे रह के झटका लग रहा है, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा,
सल्फर जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सल्फर जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये तीसरे सेल का है, किस सेल का? और ऑक्सीजन जो दे रहा है ये किसका दे रहा है? सेकेंड सेल का। ये थर्ड सेल वाला दे रहा है किसको? कार्बन के किस सेल को? सेकेंड सेल को। और यहाँ सेकेंड वाला दे रहा है किसको? कार्बन के सेकेंड को। तो सवाल उठता है कि आसानी से रेजोनेंस किस में होगा? नहीं, बड़ा सीधा सा बात है, सुनिएगा। आपको पता होगा न्यूक्लियस के नज़दीक कौन होता है? पहला सेल, उसके बाद सही है। तो अगर रेजोनेंस होना, इलेक्ट्रॉन जाना है, तो थर्ड सेल और सेकेंड सेल, एक एटम का थर्ड और दूसरे का सेकेंड, उसके बीच में दूरी ज़्यादा होगा या एक का सेकेंड दूसरे का सेकेंड, किस में दूरी ज़्यादा होगा? दूरी किस में ज़्यादा होगा? हमको मान लीजिए हमको पानी का बॉटल लेना है, तो अगर मेरे चारों तरफ जो पहला लेयर है, पहला बेंच वाला, वो हमको आसानी से दे सकता है, हाँ के ना? कि दूसरा बेंच वाला आसानी से दे सकता है, कि तीसरा वाला दे सकता है? तो बोलिए जल्दी, आसानी से कौन दे सकता है? थर्ड वाला कि सेकेंड वाला? समझे नहीं समझे? ये सेकेंड सेकेंड वाला क्या है? नज़दीक होगा। ये सेकेंड थर्ड वाला क्या है? तो जब दूर होगा तो यहाँ रेजोनेंस होने का चांस कम, यहाँ रेजोनेंस होने का चांस ज़्यादा। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि हम कब समझेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कब समझेंगे साइज, सही है ना? जैसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे सोच रहे थे, अचानक यहाँ साइज का बात आने लगा, तो दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब और साइज कब। तो इसके लिए छोटा सा एक पुड़िया है, ज्ञान का पुड़िया, पुड़िया खुलेगा समझिएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे? ड्यू टू, बोलो ना, ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू लार्ज साइज कॉमन, सल्फर इज, बोलो ना जी, सल्फर इज नॉट, सल्फर इज लेस इफेक्टिव, ऐसा लिख दें क्या? सल्फर इज लेस इफेक्टिव टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। सुनना ज्ञान का पुड़िया, कहता अगर एक ही ग्रुप का एलिमेंट हो, किसका हो? एक ही ग्रुप का अगर एलिमेंट हो, उसमें अगर कोई भी चीज़ कंपेयर करना हो, चाहे इलेक्ट्रॉन लेने का या इलेक्ट्रॉन देने का, तो वहाँ साइज सोचा जाता है। क्या सोचा जाता है? लेकिन अगर एक ही पीरियड का एलिमेंट हो, किसका? एक ही पीरियड का, तो वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोचा जाता है। पिछले वाले सवाल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था, वो एक ही पीरियड का है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप का है, तो ग्रुप में क्या सोचना है? साइज। और पीरियड में क्या सोचना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह है पुड़िया, क्या है ये? तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे की पॉइंट, सही है बच्चों, यहाँ पे लिखने वाले हैं की पॉइंट। मैं इसको क्या बोलता हूँ, क्या है ये? पुड़िया। किस चीज का पुड़िया? ज्ञान का। साइज इज की फैक्टर, साइज इज की फैक्टर इन इन ग्रुप एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज की फैक्टर इन पीरियड। ये बात याद रखिएगा, बहुत काम देगा। सुनना, एक पीरियड में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वेरिएशन है वो ज़्यादा प्रभावशाली है, लेकिन एक ग्रुप में जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या हो जाता है? पीरियड में भी साइज घटता है बढ़ता है, ग्रुप में भी साइज बढ़ता है घटता है, लेकिन ग्रुप में साइज का वेरिएशन ज़्यादा तेज है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वेरिएशन किस में ज़्यादा तेज है? पीरियड में। तो ये बिल्कुल ज्ञान का पुड़िया है, बहुत जगह काम आएगा, ये एसिड बेस में भी काम आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आएगा, रेजोनेंस एनर्जी में भी आ रहा है, और भी कई जगहों पे ये काम करेगा। कोई दिक्कत? पांचवा बोलें, अरे पांचवा बोलें बच्चा लोग, क्या नाम है इसका? पायरोल।
क्या नाम है इसका? और ये दूसरा यहाँ पे लिए, इसका नाम है फ्यूरान। बताओ जल्दी किसका, जल्दी किसका? इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ही ग्रुप का है कि एक ही पीरियड का? एक ही ग्रुप का कि एक ही पीरियड का? तो क्या सोचेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की साइज? बोलो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, पायरोल का कि फ्यूरान का? तो रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा, किसका ज़्यादा? तो पहला का ज़्यादा दूसरा से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लें, देखना छठा। एक बार फिर से बताओ, ये रहा क्या है, ये बोलना भी लिखा हुआ है, क्या है ये? फ्यूरान। और देखो ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर दिए, क्या कर दिए? सल्फर। क्या नाम इसका? थायोफिन। बोलो क्या, किसका ज्यादा होगा रेजोनेंस एनर्जी, किसका ज्यादा? बोलो फ्यूरान का ज्यादा होगा कि थायोफिन का? देने वाला ऑक्सीजन और देने वाला एक ही ग्रुप का, तो कौन जल्दी देगा? छोटका आसानी से देगा कि बड़का? छोटका की आसानी से कि बड़का? छोटका देगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? पहला का ज्यादा होना चाहिए किससे? होना चाहिए ना, अरे होना चाहिए था ना, इसका ज्यादा इससे। लेकिन यहाँ पे फिर आंसर क्या हो गया, फिर क्या लगा? फिर लगा झटका। समझाएंगे काहे ऐसा। ये रेजोनेंस करेगा हाँ के ना? रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस करने के बाद यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव आएगा, बोलो हाँ के ना? और ये जब रेजोनेंस करके जाएगा, देखो ना ये इधर आएगा तो ये उठ के यहाँ आएगा, बोलो। फिर यहाँ माइनस आएगा तो फिर यहाँ माइनस आएगा, बोलो। इसमें भी बताओ, जब ये रेजोनेंस करेगा तो कहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, सही है? क्या सल्फर के पास डब्बा खाली है? क्या सल्फर के पास डब्बा खाली है, ऑर्बिटल है हाँ के ना? सल्फर किस पीरियड का है? सल्फर किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड में कैगो सब सेल, एस पी डी, डी में कैगो ऑर्बिटल, एस में एक, पी में कुल मिला के कैगो है इसके पास? नौ गो। बॉन्ड कैगो बनाया हुआ है? दो गो, यानी खाली होगा हाँ के ना? डी ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली है होगा। तो अगर इसके बगल में ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो डी ऑर्बिटल में आ सकता है हाँ के ना? लेकिन क्या इसके पास डब्बा खाली है? ऑक्सीजन के पास डब्बा खाली है क्या? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में क्या इलेक्ट्रॉन? छः। वो छः इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होगा? एस, एस में कै गो? दो गो। उसके बाद फॉस्फोरस, पी में कै गो? अरे भाई मेरे, ऑक्सीजन का 1s2। उसके बाद 2p4। तो ये एस भरा हुआ है हाँ के ना? और 2p4 में 4 कैसे देख? तो कै गो बॉन्ड बना सकता है? ये दो गो बॉन्ड बना लिया। अब इसका डब्बा कोई खाली है क्या? तो यहाँ माइनस आके भीतर रेजोनेंस होगा क्या? होगा, लेकिन यहाँ रेजोनेंस हो गया ना, तो यहाँ रेंज क्या हुआ? अरे रेजोनेंस का रेंज इसमें यहीं तक है, इसमें क्या हो गया? तो जिसका रेंज बढ़ गया उसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा। तो काहे के लिए तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? इन थायोफिन, बोलो ना, इन थायोफिन ड्यू टू वैकेंट, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल कॉमा रेंज ऑफ रेजोनेंस इज,
रेंज ऑफ रेजोनेंस इज मोर। थायोफेन में रेंज क्या है रेजोनेंस का? ज्यादा है, लेकिन जब ओपन चेन में था, तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है, सर यहां पे फिर काहे नहीं हो गया, यहां पे क्यों नहीं हो गया, सुनना यहां क्यों नहीं हो गया, यहां पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस होने के बाद सल्फर के बगल वाले पे क्या आ रहा है? माइनस। यहां रेजोनेंस करके ही आ रहा था क्या? सल्फर के बगल में माइनस आ रहा है क्या? तो इसका डिब्बा खाली है तो इससे इसको कोई मतलब है क्या? लेकिन यहां क्या एकदम बगल में आ गया तो रेजोनेंस हो जाएगा, यहां रेजोनेंस का चांस नहीं है, इसीलिए इसमें रेजोनेंस किसका जल्दी, लेकिन इसमें किसका? ये सारा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा जाएगा, इसलिए पढ़िए पढ़िए, मौका मिला है। आइए अगला सवाल। अब अगले सवाल का जवाब आपको खुद देना होगा, आप जवाब देंगे तभी हम अगला सवाल लिखेंगे, नहीं देंगे जवाब नहीं लिखेंगे। कैमा नंबर सवाल होगा जी? छठा, सातवां होगा? दोनों में तुलना करिए रेजोनेंस एनर्जी। सातवां, क्या लगता है बच्चा लोग, किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा? क्यों? फर्स्ट का क्यों? फर्स्ट में क्या है? रेंज ज्यादा है। फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? टोटल मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, वाह क्या बात। ये निगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ये रेजोनेंस किया तो ये वाला भी रेजोनेंस का किया होगा, हाँ के ना? तो मतलब ये दुए को किया कि यह दुगो करेगा, बोलो। फिर ये यहाँ क्या आएगा? माइनस। फिर ये इधर, फिर ये भी, मतलब ये भी मूव किया, कै गो मूव किया, बोलो बोलो। छह इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन? छह इलेक्ट्रॉन कितना एटम के बीच में? सिक्स इलेक्ट्रॉन बिटवीन फाइव एटम्स। इसमें बताओ कई इलेक्ट्रॉन? ये रेजोनेंस करके इधर आएगा, बोलो। ये रेजोनेंस इधर करेगा तो इधर जाएगा, बोलो। कई इलेक्ट्रॉन? दो, दो चार, दो छह। कई इलेक्ट्रॉन? छह इलेक्ट्रॉन बिटवीन। रेंज किसका ज्यादा है? तुम रेंज बोल रहे थे, किसका ज्यादा है रेंज? अरे भैया पांच एटम रेंज कहाँ ज्यादा है? क्या है? क्योंकि इसमें एक के दिशा में है और इसमें किधर है? अपोजिट दिशा में। मतलब याद आया कुछ? क्या बताए थे? लीनियर कॉन्जुगेशन और याद आया? या इसी को बोलते एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन। किसमें रेजोनेंस बेहतर होता है, लीनियर में कि क्रॉस में? तो किसका ज्यादा? पहला का ज्यादा। किससे? का है? एलसी का ज्यादा होता है। किससे? सीसी से। कब? ये दोनों में एलसी कब जीत रहा है? जब रेंज क्या है दोनों का? सेम है। अब दो सिचुएशन और हो सकता है। पहला सिचुएशन क्या है? एलसी और सीसी दोनों का रेंज क्या हो?
बराबर हो। यहाँ पे रेंज क्या, यहाँ पे रेंज क्या है, और बाकी दो सिचुएशन क्या हो सकता है, किसका रेंज ज्यादा हो, इसका रेंज। तो बराबर बराबर में कौन जीत रहा है, तो अगर लीनियर का रेंज और ज्यादा होता तो, अरे बराबर बराबर रेंज में कौन जीत रहा है, तो अगर लीनियर का रेंज और ज्यादा होता तो और जल्दी जीतता। तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, कि लीनियर का रेंज क्रॉस का रेंज, देखो यहां देखो ये क्रॉस है, ये लीनियर है, किसका रेंज ज्यादा है, सही है, किसका ज्यादा होना चाहिए, बोलो किसका रेंज ज्यादा होना चाहिए, क्रॉस का है, रेंज ज्यादा हो गया, तो यहां पे पहला ज्यादा हो गया दूसरे, दूसरा से गौर से देखना, इतना हिस्सा इसमें भी है क्या, देखो तो, यानी इतना हिस्सा कॉमन है, अरे जो इसमें है यही इसमें भी है, तो यानी ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन, इसके अलावा भी इसमें रेजोनेंस का हिस्सा है, कोई दिक्कत। तो लीनियर ज्यादा होता है, सॉरी क्रॉस ज्यादा होता है किससे, लीनियर से, कब, इफ, बोलो बोलो, रेंज ज्यादा हो, इफ रेंज ऑफ सीसी ज्यादा हो किससे, एलसी मतलब, सीसी मतलब, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आया बेटा। फंडा है कि जब भी दो चीज का तुलना करना हो, डोंट थिंक ऑन कॉमन फैक्टर। इतना चीज क्या था दोनों का, कॉमन के अलावा इसमें है, हाँ के ना, तो जो कॉमन हो गया उसकी वजह का असर, अरे जो कॉमन हो गया उसके वजह का असर क्या हो जाएगा, कॉमन बराबर, लेकिन कॉमन के बाहर अलावा भी इसमें है, इसीलिए जीत गया, सही है। तो ये फंडा लिख लेने का, क्या फंडा लिखना है, क्या है फंडा, अरे फंडा क्या है, बोलवे नहीं करता ये लोग, ये वाला पार्ट है, ये जो घेरा हुआ पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये कॉमन पार्ट, तो यहां फंडा लिख लेना, ड्यूरिंग कंपैरिजन नोट लिखो, नोट एन ओ टी ई नोट लिखो, नोट ड्यूरिंग कंपैरिजन, ड्यूरिंग कंपैरिजन डोंट थिंक ऑन, ड्यूरिंग कंपैरिजन डोंट थिंक ऑन कॉमन पार्ट, मतलब जब भी कुछ भी तुलना करना हो तो जो कॉमन पार्ट है उसके वजह से सोचने का कोई फायदा नहीं होगा, अगर आप सोच रहे हैं तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको 9 10 11 का आंसर खुद करना है, नौमा में बताइए कौन ज्यादा होगा, नौमा का रेजोनेंस एनर्जी बताओ किसका ज्यादा होगा, पहला का कि दूसरा का, किसका ज्यादा, पहला का कि दूसरा का, किसका ज्यादा, क्यों दूसरा का, है ना, यहां पे पहला का ज्यादा होता है दूसरा से, झटका लगा, बोलो, अरे तुमको क्या लगता है कि यहाँ पे रेंज क्या है, यहाँ पे रेंज क्या है, तो किसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हकीकत में है किसका ज्यादा, तुमको लगता है दूसरा का ज्यादा होना चाहिए, है पहला का, तो मतलब क्या है ये झटका, काहे ऐसा हुआ बात करेंगे। दसवां नंबर किसका ज्यादा होना चाहिए, दसवां किसका ज्यादा होना चाहिए, दसवां में दूसरा का ज्यादा होना चाहिए, दूसरा का ज्यादा है, तो यहाँ कोई झटका, दसवां तुम सोच रहे थे इसके हिसाब से नहीं, अरे झटका सब जगह झटके लगेगा, तो सवाल उठता है यहां पे कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, यहां पे गड़बड़ी काहे है नहीं, तो इस गड़बड़ी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और, यानी ये हमारा अगला टॉपिक है जिसपे हम चर्चा करेंगे, सही है ना,
एरोमेटिक का मतलब होता है बहुत स्टेबल, एरोमेटिक का मतलब बोलो बोलो बहुत स्टेबल, तो ये वाला है एरोमेटिक इसलिए इसका ज्यादा, लेकिन इस वाले में ये वाला है एरोमेटिक इसलिए इसका ज्यादा। तो यहाँ नॉर्मल रेजोनेंस से सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़। इसीलिए हमको एक नया कॉन्सेप्ट सीखना होगा, किसका, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का। वैसे ही 11 नंबर में ये वाला है एरोमेटिक, ये वाला है एंटी एरोमेटिक, तो किसका ज्यादा हो जाएगा, पहला का ज्यादा, किससे, दूसरा से, सही है ना। तो ये कुछ मैंने एक सवाल करा है, किस पर, रेजोनेंस एनर्जी पर, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है कौन सा, बात करेंगे इस पे अगले दिन।